तो ये देखें व्यूवर्स, सीलिंग के काम के लिए ये जो है मटिया मतलब पट्टियां बना रहे हैं। कस्वर उस्ताद, जी सर। आप ये क्या कर रहे हैं जरा मेरे देखने वाले व्यूवर्स को बताएं, ये पट्टियां आप किस लिए बना रहे हैं, ये कहाँ पे यूज करेंगे आप? ये पट्टियां डिजाइनिंग के लिए बना रहे हैं, ये सीलिंग पे लगेंगे, अच्छा ये डिजाइन बनेगा, ये बत्ते बनेंगे, अच्छा ये बत्ते फिर होएंगे पॉलिश, अच्छा पॉलिश होकर ये तैयार हो जाएंगे। ठीक है। तो ये अब इसमें आप क्या मिलाओगे? इसमें अभी ये जो है इसकी भराई करेंगे, मुट्ठी लगाएंगे, अच्छा इधर मोटा लेके आओ, है दिखाओ इधर। ये उठाया हुआ है इसने, इसको प्लास्टिक परस के में रख के ना थोड़े थोड़े अच्छा इसके अंदर रखेंगे ताकि ये मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, रख के दिखाओ एक, रख के दिखाओ यार ऐसे। ठीक है। इसको ऐसे रखेंगे, ये मतलब आप ये जोड़ लगाने के जोड़ लिए लगाने के लिए। घास की मजबूती होगी और हाँ घास साथ में प्लास्टर ऑफ नहीं है, पेरिस है। ये नारियल है, नारियल है, सिंग सिंग। सिंग है, अच्छा हाँ ये किस चीज से निकलता है सिंग? तो व्यूवर्स ये देखें, ये पट्टियां बना रहे हैं, ये जो अभी आपको दिखाते हैं सीलिंग जो हो रही है उसके अंदर ये डिजाइनिंग के लिए ये लोग यूज करते हैं, और फिर उसके बाद इसके ऊपर कलर हो जाता है। क्या लगाते हो आप इसके बाद? ये जो है अभी डिजाइनिंग हो रही है, ये जब छत तैयार हो जाएगी तो इसके इसको ना पॉलिश होगी, ठीक है पॉलिश होने के बाद ये तैयार हो जाएगी। ठीक है। तो व्यूवर्स मैं आपको लेके चलता हूँ जो जिस कमरे में इन्होंने ये लगाने हैं उसका, आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह ये लगेगा। ये देखें व्यूवर्स, ये जो है लगा रहे हैं, जो पीछे जो पट्टियां बन रही थी ये डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पे एक फ्रेम बना देंगे, और फ्रेम के बाद जो है मतलब इसके ऊपर कलर डिफरेंट कलर के आप कर सकते हैं जिससे आपकी सीलिंग खूबसूरत लग सके। ये इस कमरे की सीलिंग हुई हुई आप देख सकते हैं, इसके ऊपर इन्होंने चारों तरफ से इस कमरे को जो है फिलअप किया हुआ है विद, ये इन पट्टों को क्या कहते हैं जो फट्टे लगे हुए हैं, सीलिंग ही है ये सीलिंग पट्टे उन्होंने लगाए हुए हैं। इसके बाद जो है इसके चारों तरफ बॉर्डर लग जाएंगे, और कुछ जो है मतलब ये साइडों के ऊपर जब ये फाइनल हो जाएगा व्यूअर्स, तो उसकी भी आपको जो है वीडियो बनाकर दिखाएंगे। तो ये सीलिंग का वर्क है, ये लाइफ टाइम होता है, बट अगर इसको आप पानी से बचा के रखें तो मतलब इसको कुछ नहीं होता। बड़ी मजबूती के साथ इन्होंने जो है इसको फिक्स किया हुआ है और लगाया हुआ है, तो जब ये कंप्लीट होगी तो उसकी भी आपको वीडियो बनाकर हम दिखाएंगे। तो ये बार जो पट्टियां बनाई थी वो अब इन्होंने डिज़ाइनिंग में जो है उसको शिफ्ट कर दिया है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो है इसको मजबूत कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सीलिंग के ऊपर खूबसूरती के लिए जो 8 पट्टियां इन्होंने बनाई हैं वो अब लग रही हैं। तो यह आप देख सकते हैं जो पट्टियाँ इन्होंने बनाई थी वो इन्होंने प्लेस कर दी हैं फॉर डिज़ाइनिंग। तो ये अब ये जो कॉर्नर है ये अब रह गया है, यहाँ पर भी जो है मतलब ये लोग वो पट्टियाँ प्लेस कर देंगे जिस पे आप डिफरेंट कलर के कलर्स कर सकते हैं जो आपकी चॉइस हो, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए विद सीलिंग। तो ये आप देखें, ये आप अगली पट्टी को प्लेस कर रहे हैं,
और उन होल्स को कवर करेंगे। सीलिंग कंप्लीट हो गई है, आप देखें ये डिज़ाइन बना है, वो जो पट्टियाँ आपको दिखाई थी जो बनाई गई थी फॉर डिज़ाइन, तो अब ये इसको फाइनल कटिंग कर रहे हैं इसकी और ये सीलिंग इस रूम की जो है वो तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट जो है स्टाइल है फॉर सीलिंग, बट वंस इसके ऊपर कलरिंग हो जाएगी तो ये बहुत ही खूबसूरत और देखने को जो है बहुत अच्छी लगेगी। अब इसकी फिनिशिंग कर रहे हैं तो ये इस रूम की जो है सीलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है।